और बच्चे को हाजिर कराएंगे क्योंकि वहाँ पे ले जाकर के उनको हाजिर कराएंगे। यहाँ कैंप स्टेशन पे ये लोग चार पांच छह लोग आए जिसमें पता लगा एस जी प्रभारी विक्रम सिंह थे और राजीव रंजन उपाध्याय जी जो है कि निलंबित इंस्पेक्टर थे ये लोग थे और चार पांच लोग और थे। इन लोगों ने बच्चे को घसीटते हुए ट्रेन में से उतारा। मैं भी जो है बच्चे के पीछे पीछे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए चल रहा था कि माँ डालेंगे लोग और ऐसा ही करके घसीटते हुए लेके चल रहे थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था ये लेकर के नीचे आए। नीचे आने के बाद गाड़ी में बच्चे को धक्का मार के बैठाए। मैं भी जब हमको भी धक्का मारे मैं बैठ गया जबरदस्ती गाड़ी में। गाड़ी में बैठने के बाद वो लोग लेकर के थाना के पास आकर के रुके। रुकने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे लेके कचहरी के पास हमको धक्का मार के गाड़ी में उतार दिए। तो अभी यहाँ क्या नया जुगाड़ लगा रहे हैं आप? अभी मैं एक कह रहा हूँ, हमें डर है कि ये लोग जो है मतलब ले जा करके बच्चे का इनकाउंटर न कर दें या कुछ उसके साथ में गलत न कर दें। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है सर। आगे बच्चा बनारस में क्या करता था? जी बनारस में क्या करता था? बनारस में बच्चा हमारा काशी विद्यापीठ में बी काम करके आई आर पी एम का जो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था।